सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासी अपने कॉलोनी तक के पहुंच मार्ग के जर्जर होने को लेकर चिंतित थे और विगत 4 दिनों से आंदोलनरत थे। इस दौरान विभिन्न प्रकार से अपना आक्रोश जताकर शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे थे। 4 दिन बाद शासन प्रशासन जागा और कॉलोनी तक पहुंच मार्ग बनाने का आश्वासन मिलने पर कॉलोनी वासियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। कैलाश नगर कुरुद में बसे सुंदर विहार कॉलोनी को 23 वर्ष बीत चुके हैं और अब तक यहाँ का पहुँच मार्ग नहीं बन पाया है और जो कच्ची सड़क है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इस सड़क पर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसे देखते हुए सुंदर विहार कॉलोनी के लोग विगत 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस 4 दिनों में अलग अलग तरीके से अपना आक्रोश जता रहे थे। प्रथम दिन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के बाद दूसरे दिन नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। इसके बाद तीसरे दिन कॉलोनी वासियों ने रोड पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जिससे शासन प्रशासन को सद्बुद्धि आए और उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हो। और जब इससे भी बात न बनी तो चौथे दिन कॉलोनी की महिलाओं ने रोड पर उतरकर अपनी समस्या वाहन चालकों को बताते हुए रोड बनाने के लिए भीख तक मांगा और भीख मांगने की खबर जब शासन प्रशासन तक पहुँची तब आनन फानन में 5वें दिन SDM साहब स्वयं जोन 2 कार्यालय पहुँचे और उन्होंने कॉलोनी वासियों से मिलने की इच्छा जताई। निगम को देंगे फंड नहीं है भाई बाबा, निगम में फंड नहीं है भाई बाबा, विधायक को भी देंगे, विधायक को सांसद को भी देंगे, भीख मांग के रोड बनाएंगे उनको देंगे। दे दो भाई बाबा, एक है भाई बाबा, दे दो, दे दो भाई बाबा, दे दो भाई बाबा। कॉलोनी वासियों ने भी उनसे सप्रेम भेंट करने जोन कार्यालय पहुंचे। वहां SDM ने कॉलोनी वासियों को एक आश्वासन पत्र सौंपा जिसमें लिखा था कि बरसात के पूर्व कॉलोनी का पहुंच मार्ग मुकम्मल कर लिया जाएगा, इसलिए वह अपना धरना प्रदर्शन बंद कर दें। SDM महोदय ने यह भी कहा कि यह आदेश दुर्ग जिला कलेक्टर मैडम के आदेश पर कॉलोनी वासियों को दिया जा रहा है। आदेश की कॉपी पाकर मोहल्ले वासियों में हर्ष का माहौल देखा गया और उन्होंने फटाके फोड़कर और मिठाइयां बांटकर आंदोलन को समाप्त किया। नमस्कार, मैं नेहा साहू। सबसे पहले तो मैं इन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी कि 4 दिन की हड़ताल इनके बाद आज इनको जो है शासन प्रशासन के द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है SDM सर के द्वारा कि 30 जून के पहले इनकी रोड का कार्य जो है प्रारंभ होकर समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे पहले तो मैं माननीय महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि विगत 22 वर्षों से इस जगह पर इनकी कॉलोनी में कोई भी विकास कार्य, कोई भी मूलभूत सुविधाओं का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। चुनाव के पहले ही हमने ये मुख्य मार्ग को टेंडर प्रक्रिया में लिया क्योंकि हमने राज्य 15वें वित्त में राज्य सरकार के फंड में इसकी रोड के लिए हमने टेंडर लगाया। जैसा कि सभी को ज्ञात है चुनाव के तुरंत टेंडर लगने के तुरंत बाद ही आचार संहिता लग गई और उसके बाद जैसा कि सभी को पता है कि शासन चेंज हो गया और टेंडर प्रक्रिया जो पूर्ण हो चुकी थी लेकिन स्वीकृति शासन द्वारा नहीं मिली और काम शुरू नहीं हुआ। हम बस यही चाह रहे थे क्योंकि टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है तो अब आने वाले समय में ये फिर से आचार संहिता का शिकार ना हो और जल्द से जल्द इस जगह पे रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। कॉलोनी वासियों की यही मांग थी कि ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा ना बनते हुए जल्द से जल्द यहाँ पे रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाए क्योंकि अगर आने वाले समय में जैसा कि फिर से आचार संहिता लग जानी है, उसके बाद बारिश चालू हो जानी है और बारिश के मौसम में इस जगह की स्थिति जो है
इतनी भयावह हो जाती है कि लोग चल भी नहीं सकते हैं। इस सड़क पर दो लोगों की मौत हो चुकी है, आए दिन हादसे होते हैं। कल रात भी एक बिटिया जो है एक्सीडेंट होकर गिर गई, चोटें लग गई उसको काफ़ी। तो एक जो इनकी जेन्युइन मांग थी जो कि पूरी हुई है, आज एक तरीके से मूर्त रूप में आने वाली है, इसका हमको आश्वासन मिला है। और सभी की तरफ से, पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कलेक्टर महोदया का दिल से बहुत आभार है कि उन्होंने साल में उन्होंने SDM के हमको में दिया, और आभार है महोदय का, बहुत सारा आभार है इसका। और ख़ास तौर पे मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत दिल से आभार है जिन्होंने इस आंदोलन को कवरेज किया, ऊपर तक इन सभी कॉलोनी वासियों की बात को पहुंचाया, एशियन न्यूज़ का और सभी मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लीला ताई जावरकर सुंदर विहार से, मैं सबसे पहले तो महापौर जी का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इस कॉलोनी में कुछ भी नहीं था उस समय टेंडर प्रक्रिया शुरू करके यहाँ का टेंडर हुआ था। उसके बाद में किसी कारणवश हमारा रोड नहीं बन पाया, जो भी मतलब सबको पता है। और आज हम लोग धरने पर बैठने की नौबत आई थी, धरने पर भी बैठे और धरना आज हमारा समाप्त हुआ है, क्योंकि SDM साहब और कलेक्टर मैडम ने हमें आश्वासन दिया है, लिखित में आश्वासन दिया है कि आपका रोड 30 जून के पहले बन जाएगा और अंदर का संधारण भी होगा। तो इसीलिए आज हम धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं आज। और सभी शासन प्रशासन और मीडिया कर्मियों का, एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आप लोगों का। और मेरी सखी सहेलियाँ, मेरे कॉलोनी वासी सभी, हम लोग इसी तरह से साथ में रहेंगे। आगे में कुछ भी ये होगा तो हम लोग साथ में हैं, सहयोग करेंगे सब एक दूसरे का। और कुछ भी होता है, मान लीजिए हमारे साथ में विश्वासघात होता है, जो भी होता है, तो हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे। सुंदर विहार का लड़ाई इसलिए ख़त्म हो गई भैया, जो मांग थी वो पूरी हो गई है। और SDM महोदय द्वारा लिखित आश्वासन बोलो चाहे लिखित लेटर दे दिया है कि 30 जून के पूर्व ये संधारण और रोड निर्माण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। और उसके पूर्व एक आध महीने में उन्होंने संकेत दिया है कि काम शुरू हो जाएगा, एक आध महीने के अंतराल में काम शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय मीडिया को भी दे सकता हूँ कि उन्होंने ये नीचे की बात ऊपर तक पहुँचाई और सद्बुद्धि आई, शायद वो भी कहीं ना कहीं सफल रहा, सद्बुद्धि यज्ञ भी कहीं ना कहीं काम किया। और उसके बाद जो भीख मांगे, जो आज आगे के कार्यक्रम थे, अब उसको रोक रहे हैं, क्योंकि अब हमारे को जो हमारी मांग थी उसको सुन लिया गया और उसे पूरा कर दिया गया। तो इसलिए टेंट भी हमने खुलवा दिया है, तो धरना हमारा समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद फिर कुछ संभावना ही नहीं बचेगा, उसके बाद सीधा उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि उनकी बात रखते हुए हमने उनकी बात मान के उनके ऊपर विश्वास करके हमने धरने को छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने लिखित पे दिया है। और अगर ये नहीं होता, हमारे साथ छलावा होगा, तो फिर काफ़ी उग्र आंदोलन करेंगे इसके लिए। बहुत खुशी की बात है कि रोड बहुत जल्दी से जल्द बन जाए और यहाँ पे जो लोग गिर पड़ रहे थे वो सुरक्षित हो जाएं। धन्यवाद। लिखित आदेश मिलने से जहाँ एक और कॉलोनी वासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो वहीं यह भी कह रहे हैं कि यदि आदेश पूरा नहीं हुआ तो आगे अब उग्र आंदोलन शासन प्रशासन को झेलना पड़ सकता है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।